स्वर्ण पदक देखा था, इज अ रेपिस्ट, इज अ मर्डरर, इज अ क्रिमिनल। 80 गाड़ियों का काफिला दिया आपने, शर्म आनी चाहिए सरकार को। आप एक मिनट, इतनी 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 हमारी माताओं बहनों का रेप हुआ, एक मिनट, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूजा जी क्या कर रही हैं आप महिलाओं के साथ, सुन लीजिए, बच्चियों के साथ, और उसमें राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं सो नहीं सकती हूँ रात को ये सोच के कि मेरी भी बेटियां हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, आप सुन लीजिए, देश को आपने राजनीति का माहौल, इसी समय हर चीज में राजनीति है आप लोगों की, सजा हुई है तो इसी समय हुई है। हर बार वोटर आघात होता है, हर बार आप वोटर से भिखारियों जैसे भीख मांग के वोट मांगने जाते हैं, और करते क्या है, हमारी बेटियों का रेप करवाते हैं। आज भी वहां आश्रम में कितनी लड़कियां होंगी, कुछ पता है आपको कितनी लड़कियां वहां आश्रम में होंगी, उन्हें छुड़वाइए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, देश बेच के खा लिया, कभी बीजेपी के नाम, कभी कांग्रेस के नाम, क्या समझ रखा है आपको, देश की जनता पागल है क्या? बेटियों के साथ होता है, मेरी बेटी के साथ होगा, आपकी बेटी के साथ होगा, हो सकता हमारे किसी रिश्तेदार की बेटी वहां अंदर आश्रम में हो, और ऐसे बाबा को 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है कि तू अपना महल बना और लड़कियों के साथ बलात्कार कर, बच्चों के साथ कर। ये देश है हमारा, क्या है हमारा देश, हर नीति पे हम लोग राजनीति करते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं हम ऐसी औरतों को जिन्हें कोई सरोकार नहीं है बच्चियों से, स्वर्ण पदक देते हैं हम उन लोगों को, हम उनको मेडल्स देते हैं जो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कितनी बच्चियां अभी भी आश्रम के अंदर होगी, उन्हें बचाइए, उन्हें बचाइए, ये राजनीति मत कीजिए। हजारों बच्चियां अभी भी अंदर होंगी, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? हर बार वोटर आपके लिए लाइन में खड़े होकर वोट देता है, मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करती हूं, लेकिन सपोर्ट ऐसा नहीं है कि हम अन्याय देख के चुप रहे, जवाब दीजिए बिल्कुल। हम समाज सेवक हैं, हम लोगों के लिए अपना तन मन धन देने की इच्छा रखते हैं, बेटियों को बेआबरू कराने के लिए नहीं रखते। सोचिए वो लड़की कितनी वो बेचारी असमर्थ रही होगी, उसके माँ बाप ने उसमें विश्वास नहीं किया, आप सबको पता था कि वो बाबा ढोंगी है, आप उनके, ये बाबा ऐसे होते हैं, ये सूट बूट चेन सरकार डिस्को डांस, जवाब देंगे ना, ठीक है था। पॉलिटिकल पार्टीज कहा था कि सब आके मेरे पांव छूते हैं, कोई यकीन, ऐसे गुंडों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनको पॉलिटिकल पार्टीज का संरक्षण है, मानिए। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं बच्चियों के लिए, तो सबसे पहले इन ढोंगी बाबाओं को इनके आश्रमों के अंदर घुस के इन पे छापे मारिए, देखिए। लेकिन आप लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि आपका वोट बैंक है, ये आपका वोट बैंक है, मानिए इस बात को, हर पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी नीड्स गुंडाज लाइक राम, दैट गुरमीत, एवरी पॉलिटिकल पार्टी नीड्स हिम। आप वोटर्स को नाराज नहीं करेंगे, आप एक बच्ची की आबरू छिन्न भिन्न होने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान से डरिए, कल आपकी बेटी ना हो, कल आपकी बेटी भी हो सकती है। उस आश्रम में अभी भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, ढूंढिए उनको, बचाइए उन बच्चियों को, ये पॉलिटिक्स बाद में कीजिएगा। आप बीजेपी, कांग्रेस, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, सब संरक्षण देती है, मानिए इस बात को। आज चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि हम लोग इनको संरक्षण नहीं देंगे, सीखिए अपनी गलतियों से। रामपाल बाबा के यहां यही हुआ, राम रहीम के यहां यही हुआ, आशा राम के यहां यही हुआ। आप हाथ रख के दिल पे बोलिए, क्या आप लोगों का संरक्षण नहीं था इनने, इन बाबाओं को, इनको टैक्स फ्री मिलता है, किस बात के लिए टैक्स फ्री मिलता है? आश्रम में पूरे 100 गाड़ियों का काफिला है, एक गरीब आदमी एक बोतल खून के लिए मर जाता है, जो आपका वोटर होता है, जो वोटर होता है, जो लाइन में लग के आपके लिए वोट करता है, वो एक बोतल खून के लिए मर जाता है। और इन बाबाओं के लिए शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, आप लोग आंख बंद करके रहते हैं, व्हाई दे डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्सेशन? इनको टैक्सेशन नहीं है, इनको खुली छूट है कि आप बचाइए दंगल, बट वोट देते रहिएगा हमारी हमारी पार्टी। ठीक है, पूजा बहुखंडी जी, पीड़ा आपकी समझी जा सकती है, आप इस